मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और वहाँ पे अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहरहाल अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे सवाल उठाने लगी है जो कि गठबंधन में उनके साथ हैं। पर कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम हत्याओं के बारे में, और मैं इसे हत्या ही बोलूँगा भैया, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या ही है। आप जान रहे हैं, बार बार हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। और कड़ा कदम का मतलब कुछ नहीं है भैया, आप कम से कम जाइए तो एक बार जो मृतक परिवार है या जो पीड़ित परिवार है उनसे जाके आप मिलिए, समझिए। आज तक आप बता दीजिए कोई एक परिवार जहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हों, किसी एक परिवार से जिसके घर में जहरीली शराब पीने से इस तरीके की मृत्यु हुई हो, उससे जाकर अगर मुख्यमंत्री मिलते तो उन्हें पता चलता कि भैया अवैध शराब का निर्माण का कार्य किस तरीके से हर जिला में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, हर प्रखंड में नहीं, बल्कि हर पंचायत में अब उसका निर्माण होने लगा है। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये गोरख धंधा ये कैसे चल रहा है, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, आप इसको सुधारने का आप कदम नहीं उठा सकते। अब तो आपके गृह जिले में ये चीज़ हो गई है, आपके गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर उंगलियाँ उठाने लग गई है। तो कम से कम अब आप होश में आइए, जाइए मिलिए परिवार से, और शराबबंदी कानून को अगर आप सही मायनों में अमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे गिरोह को पकड़ना जरूरी है जिसको कहीं ना कहीं आपके सरकार के लोग ही, आपके अधिकारी ही उनको संरक्षण देते हैं जो ऐसी जहरीली शराब का निर्माण करते हैं या आयात करते हैं दूसरे प्रदेशों से शराब का। माझी जी ने कहा दिया है कि शराब बंदी हटा देना चाहिए, कानून को वापस हो सकता है, माझी जी साहब का वापस हो सकता है, तो शराब बंदी कानून। देखिए अभी आपस में गठबंधन में इन लोगों का क्या है, एक सुर है नहीं है। बहरहाल जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इस बात को हम लोग शुरू से कहते हैं कि शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून की आड़ में जो एक गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीके से अवैध शराब का जो एक व्यवसाय शुरू हो गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा इन्होंने शुरू कर दिया है, तस्करों को संरक्षण देने की जो गतिविधि अधिकारियों के द्वारा की जा रही है उसका हम लोग विरोध करते हैं, और कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के नाम पर जो मासूमों को गांव में निर्दोषों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसका हम लोग जरूर विरोध करते हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।